हेलो बच्चों, आज हम आपकी बुक के पेज नंबर 49 का लोकेशन गेम्स ये टॉपिक देखेंगे। ये छोटे छोटे गेम्स है, इसमें आपको लिखना कुछ भी नहीं है और ना ही ज़्यादा पढ़ना है। आपको सिर्फ ये गेम कैसे खेलना है वो देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ये गेम खेलना है, ठीक है। लोकेशन गेम्स, लोकेशन यानी कि जगह, कोई ख़ास ऐसी जगह जहाँ पर कोई ख़ास चीज़ रखी हुई हो या आप है, किसी भी चीज़ की ख़ास जगह, इसे कहेंगे लोकेशन। नंबर वन, लिसन केयरफुली एंड आंसर। ओरल है ये, गौर से सुनिए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर, अब ये गेम किस तरीके से खेलना है, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल आपको दिया गया है आपके बुक में, और उसके बाद फिर आपको जो है बाहर वो गेम खेलना है या आप क्लास में भी खेल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक लड़की है और ये लड़की इधर टेबल के सामने खड़ी हुई है और ये लड़की क्वेश्चन कर रही है, वेयर आर यू डैश। डैश में कोई भी लड़के या लड़की का, इसकी जो क्लासमेट्स है उसमें से किसी का भी नाम पुकारेगी, जैसे कि वेयर आर यू सविता, वेयर आर यू राजू, वेयर आर यू सिराज, वेयर आर यू सना, इस तरीके से। और बाकी के जो भी बच्चे जिसका नाम लिया जाएगा वो क्या करेगा, उसको आंसर, उसके जवाब का आंसर देगा, ठीक है। और यहाँ पर टीचर है इसके साथ में खड़े हुए, ये पीछे लड़की है और ये लड़की क्वेश्चन कर रही है। सबसे पहले क्वेश्चन कर रही है लड़की, वेयर आर यू डैश, मतलब यहाँ पर कोई लड़की का नाम है, समझ लीजिए अभी ये इस लड़की का नाम है। इस लड़की ने क्या आंसर दिया, हेयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ये रही मैं आपके बिल्कुल सामने। राइट इन फ्रंट ऑफ यू मतलब आपके बिल्कुल सामने। अब इस लड़की को पूछेंगे, वेयर आर यू रितु, तो उसने जवाब दिया आंसर, आई एम हेयर नियर द विंडो, मैं यहाँ हूँ इस विंडो के बाजू में, इस खिड़की के बाजू में। अब इस लड़की को पूछे, वेयर आर यू सना, तो वो आंसर दे रही है, हेयर ऑन द राइट ऑफ सविता, ये मैं यहाँ पर रही ये सविता के राइट हैंड पे, सीधी तरफ, सीधे हाथ के पास, ठीक है। उसके बाद लड़की पूछ रही है इस लड़के को, तो ये लड़का जवाब दे रहा है, हाय आई एम ऑन द लेफ्ट ऑफ केदार, हाँ मैं ये जो केदार है, केदार के लेफ्ट में बैठा हुआ हूँ। अब इस लड़की को पूछे, इस लड़की ने जवाब दिया, हेयर सेकंड लाइन सेकंड बेंच, हाँ मैं ये जो सेकंड लाइन है, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन की सेकंड बेंच पर बैठी हुई हूँ। अब ये लड़के, इस लड़के से पूछा तो इस लड़के ने जवाब दिया, आई एम एट द बैक, मैं बिल्कुल पीछे हूँ, ऑन द लास्ट बेंच, बिल्कुल लास्ट बेंच के ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो इस तरीके से। और ये जो लास्ट लड़की है, ये लड़की जो इसके पीछे खड़ी हुई, टीचर ने उसको पीछे खड़े किया, तो वो लड़की जवाब दे रही है, आई एम बिहाइंड यू, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, नियर द ब्लैक बोर्ड, ये जो ब्लैक बोर्ड है उसके पास खड़ी हुई। इस तरीके से आपको भी क्या करना है, ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ क्लासरूम में या स्कूल के प्लेग्राउंड पर या कहीं पर भी जो है आपको ये गेम खेलना है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, इसी तरीके से इस खेल की पेज की तैयारी के तौर पर मूल्यम, ये तो टीचर्स के लिए जो है इंटीमेशन से। चलिए अभी इसके बाद भी जो क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखना कुछ भी नहीं है आज के इस टॉपिक में, आपको सिर्फ ओरल ये काम जो है पूरा करना है, क्योंकि यहाँ पे सब जो है ओरल आपको दिया गया है। तो नंबर टू, प्ले दिस गेम आउटसाइड द क्लासरूम, ये गेम क्लासरूम के बाहर खेलिए, तो आप भी क्या करेंगे, क्लासरूम के बाहर खेलेंगे। नंबर थ्री, प्ले दिस गेम कॉलिंग आउट टू अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन रादर देन वन चाइल्ड, तो अभी हमने देखे कि एक एक लड़के का या लड़की का नाम पुकार के हमने ये गेम कैसे खेलना है देखे। अब आप ग्रुप को भी पुकार सकते हैं, समझो बहुत सारे आपके पूरे क्लासमेट्स है, तो तीन चार क्लासमेट्स हैं उनको एक साथ पुकार रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल, नेहा कपिल जीनत वेयर आर यू, आप नीचे हैं ग्राउंड फ्लोर पर और पूछ रहे हैं कि नेहा कपिल जीनत आप कहाँ हैं, तो आंसर देंगे तीनों, वी आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर, हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं। या आपने पूछे नेहा कपिल जीनत वेयर आर यू, वो कहेंगे वी आर ऑन द
प्लेग्राउंड, हम प्लेग्राउंड पे हैं। इस तरीके से आपको ग्रुप के शक्ल में भी क्वेश्चन पूछ के गेम खेलना है, ठीक है। और नंबर लास्ट 4, प्ले दिस गेम आस्किंग फॉर थिंग्स इंस्टेड ऑफ कॉलिंग आउट टू पीपल, बच्चों के बजाय चीज़ें कहाँ हैं ये पूछने का खेल खेलिए। मतलब एग्जांपल के तौर पे, वेयर इज नमिता पेन, अब नमिता को पूछेंगे या किसी को पूछेंगे, नमिता का पेन कहाँ है, इट्स ऑन हर डेस्क, वो उसके डेस्क पर रखा हुआ है। या फिर वेयर इज नमिता पेन, इट्स इन हर बैग, वो उसके बैग में है। या वेयर इज कपिल्स बैग, कपिल्स बैग इज ऑन द बेंच। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें, वेयर इज माई कंपास बॉक्स, तो दूसरे आंसर देंगे योर कंपास बॉक्स इज इन योर हैंड, या जहाँ पर भी होगा। इस तरीके से ये आपको गेम खेलना है। तो ये छोटा सा टॉपिक हमने आज देखे, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।